हरे कृष्णा, ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ कविता। आज मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा होता है, वो सोया हुआ होता है, तो माँ उसके कमरे में ना बहुत ही धीमे कदम से जाती है और देखती है कि मेरा बच्चा सोया हुआ है। तो सुबह का समय होता है और उसका स्कूल जाने का टाइम हो रहा होता है, तो माँ उसे बहुत ही लाड प्यार से, दुलार से मेरा बच्चा स्कूल का समय हो गया कहकर उठाती है। और बच्चा जो होता है ना, वो अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बहुत ही प्लेफुल मोड में आके माँ के साथ मस्ती करने लगता है और उठ जाता है। तो माँ उसे अपने बाहों में उठाती है, अपनी गोद में उठाती है और उसे नहलाती है, रेडी करती है और साथ ही साथ उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। तो नाश्ता तैयार करने के साथ उसका बैग तैयार करके, लंच तैयार करके उसे स्कूल छोड़ने चली जाती है। तो बच्चा जब स्कूल चला जाता है, तो स्कूल जाने के बाद वो टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। जब रिसेस का टाइम आता है, तो उसके सारे फ्रेंड्स उसको पूछते हैं कि वाओ यार, आज तो तू खाना बहुत अच्छा लेके आया, किसने बनाया ये खाना? तो बहुत खुशी से वो ये बात बताता है कि मेरी मम्मी ने बनाया ये खाना। और खाना खाने के बाद वो बच्चों के साथ खेलने लगता है और फिर उसके बाद वो कुछ समय के बाद अपने घर जाने के लिए अपना बैग पैक करता है। और इधर से माँ भी अपने सारे काम निपटाने के बाद अपने बच्चे के लिए दौड़कर स्कूल जाती है कि मेरे बच्चे का स्कूल का समय हो गया है, उसे मुझे स्कूल से लेकर आना है। तो माँ जब गेट पर जाती है स्कूल के, तो अपने बच्चे को दूर से आते हुए देख के वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उस बच्चे को चोट लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल में जनरली जब खेलते हैं तो खेलते खेलते चोट तो लगी जाती है, तो इसी तरीके से उस बच्चे को भी चोट लग गई थी। तो डेली ना उसकी माँ क्या करती थी उस बच्चे की, कि उस बच्चे को जब स्कूल से लेके जाती थी घर, तो उसका जो बैग होता था वो अपने कंधे पे उठा के लेके जाया करती थी और बच्चा माँ के साथ बहुत खेलते हुए कूदते हुए माँ के साथ घर चला जाता था। लेकिन उस दिन क्या होता है कि जो माँ होती है वो उसका बैग तो उठाती है अपने कंधे पे, लेकिन अपने बच्चे को गोद में उठाकर और घर लेके जाती है और घर जा के उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, उसे दवाई देती है, उसे बैंडेड लगाती है और अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा आज अपना ख्याल रखना, आज तुम्हें चोट लगी है, बाहर खेलने मत जाना। और फिर उसके बाद रात के समय में अपने बच्चे को वो दूध देती है जिसमें हल्दी डाली हुई होती है और फिर उसके बाद वो अपने बच्चे को सुला देती है। तो बस इतना ही था आज की मेरी इस वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी आपको ये स्टोरी? ठीक है, मुझे पता है कि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वीडियो में, तो इस कहानी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हम कष्ट में होते हैं ना, तो जिस तरीके से माँ अपने उस बच्चे को चोट लगा हुआ देखकर अपनी गोद में उठाकर चलती है, इसी तरीके से हमारे राधा श्याम सुंदर भी हमें कष्ट में देखकर स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को मना करती है कि बेटा आज बाहर मत जाना, तुम्हें चोट लगी है, और उसकी चोट के ऊपर दवाई लगाती है और उसे बैंडेड लगाती है, रात को हल्दी वाला दूध देती है, इसी तरीके से हमारे राधा श्याम सुंदर भी हमें वो स्पेशल केयर देते हैं, हमारा वो स्पेशली ख्याल रखते हैं जब हम कष्ट में होते हैं। हमारे राधा श्याम सुंदर को हमारे कष्ट के बारे में पहले से ही पता होता है, उन्हें हमारे कष्टों के बारे में और हमें उस कष्ट से कितना आहत हो रहा है इस बात का ज्ञान होता है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ कष्टों में नहीं खड़े होते। कष्टों में भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं, और कष्टों में खड़े होने के साथ साथ वो उन भक्तों से या उन बच्चों से उस बच्चे को ज़्यादा प्यार देते हैं जो कष्ट में होता है, जो अपने आप से जूझ रहा होता है, जो अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहा होता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। अगर आपको अब मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम।